गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्यादित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 21 अप्रैल को गाजियाबाद के कविनगर में चुनावी सभा को संबोधित किया। बसपा समर्थकों ने मायावती का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मायावती ने बसपा का उम्मीदवार नंद किशोर गुंडीर के समर्थन में रैली की। मायावती ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने छत्रे समाज का अपमान किया है, जिसके कारण छत्रे समाज में रोष है। छत्रे समाज की नाराजगी को देखते हुए बसपा ने गाजियाबाद लोकसभा सीट से छत्रे समाज के नंद किशोर पुंडीर को उम्मीदवार बनाया। छत्रे समाज की जहां उपेक्षा की गई है, भारतीय जनता पार्टी ने छत्रे समाज को टिकट न देकर उनकी उपेक्षा की है, जिसको लेकर छत्रे समाज में काफ़ी नाराजगी थी पंचायतें हुई। और पंचायतों में मुझे ये जानकारी मिली है, ये फैसला लिया गया कि जिस पार्टी ने हमारे समाज को भागीदारी दी है लोकसभा चुनाव में, ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दी है, हमारा वोट उसी पार्टी को जाएगा। तो छत्रे समाज की जो पंचायतें हुई, उस पंचायतों के आधार पर तो मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इस चुनाव में अपने समाज के मान और सम्मान में उन्होंने सही फैसला लिया है। और हमने आपके गाजियाबाद लोकसभा की सीट से तो छत्रे समाज से श्री नंद किशोर पुंडीर को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके गाजियाबाद में पंजाबी समाज काफ़ी रहता है, सिख समाज काफ़ी रहता है, तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हमने उनकी उपेक्षा की है, क्योंकि इनके टिकट से पहले हमने पंजाबी समाज के व्यक्ति का टिकट फाइनल किया था। लेकिन जब हमने आबादी के हिसाब से छानबीन की तो हमें ये मालूम हुआ कि गाजियाबाद की तुलना में तो लखीमपुर खीरी में, जो शाहजहाँपुर जिले से लगा हुआ है, लखीमपुर खीरी में पंजाबी सिख समाज का वोट काफ़ी ज़्यादा है। तो जिनको हमने इनसे पहले पंजाबी समाज का टिकट फाइनल किया था, उनको फिर हमने लखीमपुर खीरी से टिकट दिया। ये भी मैं पंजाबी समाज को, सिख समाज को ये बताना चाहता हूँ। जन सभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग देश में, मैं यहाँ आपके उत्तर प्रदेश स्टेट में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस दमदारी के साथ ये चुनाव लड़े हैं। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सब समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी, देश को कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे। हालांकि आप लोगों को ये मालूम है कि आपके पश्चिमी यूपी में, वैसे तो पूरे यूपी में सब समाज के लोग रहते हैं, सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन आपके पश्चिमी यूपी में अपर कास्ट समाज जैसे क्षत्रिय समाज के लोग काफ़ी बड़ी तादाद में रहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है, भारतीय जनता पार्टी व अन्य पार्टियाँ आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।